हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सुपर क्लास स्पाइसेस दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप ग्नेथोसटोमेटा ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा सो फ्रेंड्स हमने जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंड देन हमने पढ़ा था कि जब हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम को क्लासीफाई करते हैं तो उसे टू ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया फर्स्ट इज एग्नाथा जिसमें हमने दो क्लासेस रखी है और वो दो क्लासेस uh, कौन सी हैं ऑस्ट्रिकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा जो हमने ऑलरेडी ही लास्ट uh, वीडियोस पे पढ़ लिया है एंड उन दोनों को कंबाइंडली हम जो एग्नाथा ग्रुप है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स जॉलेस फिशेज बोलते हैं एंड जो सेकेंड जो ग्रुप है दैट इज ग्थोस्टोमेटा उसमें जितने भी ट्रूली जॉड वर्टी हैं

एव्स एंड मेमेलिया ये फोर क्लासेस आती है जो हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे okay? so, let's start with the super class इस वीडियो में हम इसके uh, क्या पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एंड द्लासिफिकेशन ऑफ इट ओके सो दे आर एक्वेटिक मेराइन और फ्रेश वॉटर हबीवॉर और कार्निवरस कोल्ड ब्लडेड ओविपेरस और ओवोविवीपेरस वर्डी ब्रिड्स फ्रेंड्स जो का जो सब सब क्लास हमारी सॉरी सुपर क्लास जो पाइसेस है हमारी उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं ऑब्वियसली फिशेज एक्वेटिक ही होती है लैंड पे तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ही नहीं है फिश सो एक्वेटिक वाटर लिविंग होते हैं मेराइन भी हो सकते हैं सॉल्टी वाटर सीज ओशंस में भी या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं रिवर्स लेक्स में रहने वाले दोनों में ही फिशेस पाई जाती है देन हर भी वॉर्स होते हैं हर भी वॉर्स फ्रेंड्स फिशेस होती है जो क्या करती है छोटे छोटे जो प्लैंकटॉन्स uh, है जू प्लैंकटॉन्स फाइटो प्लैंकटॉन्स ऑब्वियसली आपने पढ़े होंगे जो सबसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं या Uh, जितने भी प्लांट्स जो ओशन एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज है उसको ईट करती है और इट मीन्स अगर वो बड़ी फिशेज है तो अपने से छोटी फिशेज को वो ईट करेंगी ओके देन कोल्ड ब्लडेड होते हैं सो फ्रेंड्स कोल्ड ब्लडेड हमें पता है जिनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं चाहे बाहर का एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कितना ही ठंडा हो या कितना ही गर्म हो क्योंकि अगर ठंड के दिन है अगर विंटर सीजन है तो ऑब्वियसली वाटर ठंडा होगा कोल्ड होगा उसका टेम्परेचर uh, बहुत लो होगा या फिर uh, अगर टेम्परेचर हाई है अगर समर सीजन है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होगा इट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज होता रहता है बट ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर जैसा है वैसा ही रहता है इसलिए इन्हें कभी ठंड नहीं लगती हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ मछलियों को ठंड क्यों नहीं लगती फिशेज को ओके देन फ्रेंड्स ये ओवी पेरिस भी होती है और ओवो वी वी भी होती है सो या वी नो दैट कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स में उनको हम नॉर्मली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं उनके डेवलपमेंट को आई मीन I mean उनके फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं एक तो ओवीपेरस एंड वी, वी नॉर्मल आपने वही टर्म सुनी है ओवीपेरस में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं विच ले एग्स जो एग्स ले करते हैं जिनमें जितने भी बर्ड्स आती हैं रेप्टाइल्स भी आते हैं ओके okay. देन दूसरे आते वी वी पैरेस, जो डायरेक्ट बर्थ देते डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ओके सो उनमें ह्यूमंस मैमल्स जितने भी आ, हम हैं इट मींस हम सारे ह्यूमंस एनिमल्स सब उसी में ही आते हैं बट एक थर्ड टर्म और होती है जिसे हम बोलते हैं ओवो वीवी पैरिस सो so, फ्रेंड्स एक तरह से ये क्या है ओवी पैरिस एंड वीवी पैरिस के बीच की ब्रिजिंग है अपन इसको डेवलपमेंट से समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि ओवी पेरिस जो होती है उसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहां होता है सो so फ्रेंड्स आप याद रखना हम इसे पढ़ते हैं एक्सटर्नल सॉरी फर्टिलाइजेशन जो होता है बर्ड्स में वो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है बट जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है आपको पता होगा और एक्सटर्नल डेवलपमेंट को ही तो हम ओविपेरस बोलते हैं आफ्टर इंक्यूबेशन जो बर्ड्स होती है वो इंक्यूबेशन की प्रोसेस होती है वो हीट देती है उन एग्स के ऊपर बैठ करके और जब वो उसके बाद वो जो इंक्यूबेशन जो प्रोसेस होती है वो हीट क्यों देती है उन एग्स को उन एक्स को हीट इसलिए देती है क्योंकि उस हीट से जो मदर बर्ड जो होती है उसके हीट से उस प्रोसेस से क्या होता है एम्ब्रियो का अंदर डेवलपमेंट हो रहा है इट मीन्स जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का वो क्या है एक्सटर्नल है और वीवी पेरिस में क्या होता है ऑब्वियसली एम्ब्रियो तो इंटरनल होता है जब आफ्टर डिलीवरी सीधे बेबी बर्थ होता है ओके सो so, ओवो वीवी में क्या होता है फ्रेंड्स इनमें ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं एग्स ही ले करते हैं बट इनमें जो जो क्या बोलते हैं जो डेवलपमेंट होता है किसका एम्ब्रियो का वो इनसाइड द मदर्स बॉडी होता है इट मीन्स ये एग्स ले करेंगे बट वो एग्स तब तक हैच नहीं होते तब तक मदर बॉडी से बाहर नहीं आते हैं जब तक वो पूरी तरह क्या हो जाते हैं उनका एम्ब्रियो डेवलप्ड नहीं हो जाता इट मीन्स इंक्यूबेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर नहीं हो रही है अलग अलग से जो जो बर्ड्स हैं मदर बर्ड है उसको उसके ऊपर बैठ करके इंक्यूबेशन नहीं करना पड़ रहा है इंक्यूबेट नहीं करना पड़ रहा है उन्हें हीट नहीं देनी पड़ रही है वो बॉडी के अंदर ही हो रही है

हार्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी पूरी बॉडी सरफेस को कवर करते हैं देन एंडोस्केलेटन में क्या होता है फ्रेंड्स एक तो कार्टिलेजिनस भी स्केलेटन हो सकता है या फिर भी हो सकता है सो so, फ्रेंड्स हम अभी नेक्स्ट uh, आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की जो सुपर क्लास स्पाइसेज है उसमें हमारे थ्री क्लास इंक्लूडेड है जिसमें कौन कौन सी आती है एक तो आती है प्लेकोडर्मी देन आती है कॉन्ड्रिक थीस एंड थर्ड इज ऑस्टिक थीस सो फ्रेंड्स जिसमें से प्लेकोडर्मी और ऑस्टिक थीज बोनी फिशेज है बट कॉन्ड्रिक थी कैसी है कार्टिलेजिनस फिशर है ओके सो so, एंडोस्केलेटन जो होगा इन पाइसिसपर क्लास में वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है या बॉनी भी हो सकता है जॉज हैंग्ड होते, so, होते. Means, है सो सेम हम में भी हैंग्ड जॉज प्रेजेंट होते हैं इट मीन स्कल से अगर आपने कभी ऊपर वाला जॉ हिलाया है अपना कभी नहीं हिला सकते हम खाते समय बोलते समय जब भी अपना माउथ ओपन करते हमारा केवल लोअर जॉ हिलता है कभी भी ऊपर जॉ थोड़ी ना हिलता है क्योंकि अपर जॉ जो है वो तो क्या है है अपने जो स्कल है, हमारे स्कल से अटैच है ओनली हाइंड जॉ जो, जो नीचे वाला जो जॉ होता है वही हिलता है चाहे हम बोल रहे हैं खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हो कि जब भी हम मुंह खोलते हैं उस टाइम पे सो नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय अ ट्रू वर्टिप्रे नोटोकॉट नोटोकॉट फ्रेंड्स क्या होती है सेम चीज है क्या करती है अपनी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बट नोटोकॉट कार्टिलेजिनस होती है एंड वर्टिब्रे बॉनि होती है okay, rod है और ये क्या है स्केलेटल रॉड है सो so, नोटोकॉट इसमें रिप्लेस होकर के क्या बन जाते ट्रू का uh, फॉर्मेशन हो जाता है देन मसल्स अरेंज्ड इन टू कॉल्ड माओटॉम्स माओटॉम्स प्रेजेंट होते like, हैं लाइक्स में भी माओटॉम्स प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स है वो ग्रुप्स में ब्लॉक्स में सेगमेंट्स में प्रेजेंट है अलग अलग पार्ट में अलग अलग ब्लॉक्स में मसल्स uh,

कि ये एक क्या है इट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लास्ट पार्ट आखिरी पार्ट होता है जो क्या करता है वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करता है एक्सपेल आउट करता है बट क्लॉयका जो वर्ड है फ्रेंड्स क्लायका क्या होता है वो मैमल्स में एंड स्पेशली ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है ऑब्वियसली मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है किसी भी मैमल्स में

सिंगल ओपनिंग होती है आउटर ओपनिंग जिससे क्या होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स एक्सक्रीशन भी यहीं से होता है एंड रिप्रोडक्शन

हार्ट में फॉर द ऑक्सीजेश ऑक्सीजनेशन तो फ्रेंड्स वेनस हार्ट ऐसे हार्ट होते हैं जिसमें सिंगल साइकिल होती है आर्टरीज़ प्रेजेंट ही नहीं होती है सिर्फ एक वेन्स प्रेजेंट होती है जो पूरी बॉडी का डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है हार्ट तक ले जाती है पूरे जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट को ले हार्ट तक ले जाती है एंड सबसे मेन पार्ट्स आर्टरीज का तो काम ही नहीं है क्योंकि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम कौन करता है फ्रेंड्स गिल्स करती है गिल्स ही तो हटाती है गिल्स ही तो वाटर को हटाती है इट मींस मेराइन फिशेज है इट मींस मेराइन वाटर में तो कितने मिनरल्स कितने सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करती है और प्योर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है सो इट मीन सिंगल साइकिल में ही उनका पूरा क्या हो जाता है रेस्पिरेशन हो जाता है तो इस टाइप्स का जो हार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं हार्ट बोलते हैं ओके इनमें आर्टरीज अलग अलग नहीं होती है ओनली वेन्स ही होती है जो क्या करेगी ब्लड कैरी करेगी पूरी बॉडी से हार्ट तक एंड देन फॉर द ऑक्सीजनेशन क्या करेगी उन सारे उस जो ब्लड को क्या कहा ले जाएंगी गिल्स से ले जाएगी और गिल्स क्या कर देगा उस डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है ना एरिथ्रोसाइड न्यूक्लिए नॉन न्यूक्लिए हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट uh, नहीं होता है आरबीसी में ओके okay? बट जितने भी मेमलिया के अलावा जितने भी क्लासेस उन सब में ही क्या होता है न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कार्पसल्स या एरिथ्रोसाइड्स किडनीज कैसी होती है इनमें एफ्रिक होती है एफ्रिक वही मैंने बताया था इससे पहले भी सारी जितनी मोस्टली थी किडनीज हमने जितने भी क्लासेस पढ़ी उन ऑर्गेनिज्म में मिजोन एफ्रिक किडनी प्रेजेंट थी इट मींस मीजोन एफ्रिक किडनी इट मीन्स जो इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो नेफ, जो जो किडनी इन में इट मीन्स जो एम्ब्रोनिक स्टेज होता है उसमें तो इनमें प्रोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है सो so, प्रोनेफ्रिक किडनी मीन्स फ्रेंड्स वही जो एक्सक्रीशन का काम करती है क्योंकि मीजोनेफ्रिक किडनी ऐसी होती है जो इनका एक्स्ट्रा वेस्ट वेस्ट ऑब्वियसली जो फिल्टर करती है एंड फिल्टर में मोस्टली ये मराइन स्पीशीज है मेराइन ऑर्गेनिजम्स में इट मीन्स ये जो वाटर गेन करते हैं इनकी बॉडी में कितना ज्यादा पानी ही होता है वाटर ही होता है तो उस वाटर में से सॉल्ट को डिफ्रेंशिएट भी तो करना होता है हमारे अंदर इतने ज्यादा सॉल्ट जितने भी होते आ, या तो बाहर चले जाते हैं एक्सपेल आउट हो जाते हैं थ्रू विद यूरिन या फिर क्या हो जाते जो जरूर यूजफुल सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी गेन कर लेती है बट यहाँ तो पूरा वाटर मराइन स्पीशीज है तुमने तो सॉल्ट्स का अमाउंट कितना ज्यादा होता है तो इन किडनीज का काम क्या होता है फंक्शन की उस सॉल्ट को उन सोल्ट को वाटर से यूजफुल सोल्ट को और जो वेस्टफुल सोल्ट है उन सब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना अलग करना ओके okay? सो so, इनमें मीजोन एफ्रिक प्रेजेंट होती है देन एक्सक्रीशन कैसा होता है यूरियोटेलिक होता है ओके okay? सो so, यूरियोटेलिक मीन्स

सेवन क्लासेज ऑफ फिशेज एस फॉलो सबसे बेस्ट नोन बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्ला, क्लासिफिकेशन दिया है बट जो अर्स्ट सबसे पुराना अगर हम बेस्ट नोन क्लासिफिकेशन दें तो जो बर्ड्स थे जिन्होंने नाइनटीन फोर्टी में दिया था और उन्होंने टोटल सेवन क्लासेस दी थी फिशेज की जिसमें कौन कौन सी थी एक तो थी टेरिक्थीस देन कोकोस्टी देन एकेथोडी देन इलेजो ब्रेंकाई होलो सिफेलाई डिपनोई एंड

सिमिलरली उन्होंने क्या किया जितने भी बॉनी फिशेज थी जो बर्ज़ ने कितने दो क्लासेस में डिवाइड करा था डिप्नोई भी और टेलियोस्टोमी भी उन दोनों को उन दोनों क्लासेस को फिक्स उन्होंने फिक्स कर लिया और फिक्स करके सिंगल क्लास में इंक्लूड किया और उसे बनाया ऑस्टिक थीज सो याद रखना कार्टिलेजिनस जितनी भी फिशेज वो कॉन्ड्रिक है एंड जितनी भी बॉनी फिशेज है वो ऑस्टिक थीज एंड देन पार्कर एंड हसवेल जो 1960 में ये दो तो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया सारे कम्बाइंड जितने भी एक्सटिंक्ट है 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 इट इट कितनी सारी ऐसी ट्रू जिसमें प्रेजेंट थे बट वो सारे एक्सटिंक्ट है तो जितनी भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी एक्सटिंक्ट फिशेज थी उन सबको एक क्लास के अंदर उन्होंने प्लेस किया और वो कौन सी हुई प्लेकोडर्मी ओके सो ये तो रहा ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन

So friends please stay connected with my channel and do like share comment the videos and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video thank you friends bye